से लड़ने की कोशिश की, कभी ऐसा नहीं बोला कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक मूवीज, आई न्यू आई वॉन्टेड टू बी अ डायरेक्टर. क्या है मतलब डायरेक्टर हो, मूवी बनाना, एक्टिंग करना कोई बड़ा काम था? मेरे लिए तो सबसे बड़ा काम एक लोअर मिडिल क्लास जो ग्रैनी है जो एक फैमिली को चलाती है 4,000 रुपये में, उससे बड़ा काम तो मैं कर नहीं पाया अभी तक, ना कर पाऊँगा. फाइनेंस मिनिस्टर उसी को होना चाहिए देश का. ऐसे मतलब नहीं चला लेते हैं, बहुत मुश्किल होता होगा. पता नहीं मतलब कैसे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, आजकल तो काम पे भी जा रही है, बड़ों को संभालना और फिर सब कुछ करना. तो अगर मैं उसका 5% भी कर गया तो मतलब क्या बड़ी बात है, मतलब कर जाऊँ तो. मैंने कभी ऐसा माना नहीं कि क्योंकि हमारा काम लोगों की नज़र में आता है, लोग उसको देखते हैं, सराहते हैं, प्यार करते हैं और आपको प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो ये तो इसकी वजह से आपकी आपको लोग जानने लगते हैं और ये सब हो जाता है. तो ऐसा कुछ आप कोई तीर नहीं मार सकते. तो ये बात मेरे को समझ में आ गई थी, मेरी पहली फिल्म की बात अक्स बनाई थी और अमित जी के साथ बनाई थी और उसमें मनोज बाजपेयी थे, रवीना दादा थे, बना के बड़ा मज़ा आया था. और मैंने किसी को आज तक एसेस किया नहीं था. कहानी वही बनाई थी जो मेरी नानी मुझे रोज़ सुनाती थी रात को सुनाते हुए. अच्छा, मैंने देखी नहीं है. वो रोज़ हमें रामायण सुनाती थी सारे बच्चों को लाइन में. अच्छा, जैसे दादी नानी पहले करती थी. नानी इन्हीं सारे कज़न ब्रदर भाई बहन सब 6-7-8 लोग पूरी इतनी गर्मियों में छत पे वो सबको वो सुनाती थी. फिर एंड में वो ख़राब कर देती थी, कहती थी कि ये ऐसी कोई राम रावण नहीं है, जो है ये तुम्हारे अंदर ही है. तो हम फिर यही सोचते थे यार इतनी कहानी बताई, इतना बिल्डअप किया, फिर एंड में बोल दिया राम. मैं बोलता था कि हनुमान भी हमारे अंदर है. कहते हाँ हनुमान भी तुम्हारे अंदर है. ये सब एक लेखक है जिन्होंने लिखा है, तो इसको ये मत सोचते हैं कि ये सच में हुआ था. अब ये नानी का ख्याल था जो जो सुबह 4 बजे उठ के पूजा करती थी, फिर भी अंधविश्वास नहीं था.